आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम एरे के नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और एरे में हम कंडीशंस लगाना समझेंगे। कंडीशन कैसे लगाया जाता है, जैसे कि एक छोटा सा मान लीजिए नेम और क्वांटिटी को कॉपी करके यहाँ रखता हूँ अलग शीट पे, तो आपको याद होगा मैंने आपको सम इफ का फॉर्मूला समझाया था कि सम इफ का फॉर्मूला क्या होता है। ओके तो क्या हम मान लीजिए पूजा का हमने सम निकालना है, तो पूजा के सम में हमने क्या किया, सम इफ लगा दिया और हमने बोला कि यहां इसमें हमारा पूजा और यहां पे हमने देखा यहां पे टोटल आ गया। एवरेज भी हम एवरेज इफ से निकाल लेंगे, काउंट भी हम काउंट इफ से निकाल लेंगे। क्या हम मैक्सिमम निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो मैक्स का फॉर्मूला था वो मैक्स का फॉर्मूला था जो कि मैक्सिमम नंबर ओवरऑल निकालता है। हाँ, अगर आप ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं तो आपके पास मैक्स इफ्स का फॉर्मूला है जिसमें आप मैक्स रेंज दे दीजिए और आप क्राइटेरिया वन रेंज एंड क्राइटेरिया वन दे दीजिए तो आपका मैक्स निकल जाएगा कि पूजा का 780 मैक्सिमम सेल है। लेकिन ऑफिस 365 ना हो तब क्या, अगर आपके पास ऑफिस 365 नहीं है तो क्या करें, तो उसके लिए हम एरे का यूज करेंगे। कैसे, मैक्स, मैक्स में हम यहां इफ लगाएंगे कि इफ, और हम रेंज देते हैं कि अगर ए इक्वल टू पूजा है तो हमने इसको लिया और फिर कंट्रोल से एंटर प्रेस कर दिया तो रिजल्ट आपके पास आ गया। ध्यान से देखिए, हमने लिया मैक्स इफ, इफ को बराबर किया आपने क्राइटेरिया से और यहां पे हमने हमारा रिजल्ट दे दिया। तो आखिर परफॉर्म कैसे कर रहा है इसके लिए समझिए, जैसे कि एवलेट फॉर्मूला है हमारा और हमने यहाँ पे एवलेट फॉर्मूला में देखिए सारे नेम आ गए। अब सारे नेम को नीडर इससे पूजा से मैच करेगा, जहां पे पूजा मैच करेगा वहां पे ट्रू आ जाएगा, ट्रू आ गया, और जहां पे ट्रू आएगा उसके सामने उसकी वैल्यू आएगी 730। अब मैक्स फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है तो फॉल्स को समझिए कि वो हटा देगा और जितने भी नंबर्स है उसमें से मैक्सिमम नंबर निकाल कर देगा। ऐसे आप मिन इफ वगैरह लगा सकते हैं, समझ में आया। जिनके पास ऑफिस 19 नहीं है, 360 नहीं है, वो इसको इससे कर सकते हैं ना। जी हाँ, 16 तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एरे से कर सकते हैं ना। जी हाँ, चलिए इसमें और कुछ हम बात करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था लार्ज और स्मॉल। यहाँ पे अगर हम पूजा में सॉरी पूजा नहीं टॉप 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमें लेना है, यहाँ पे इक्वल लार्ज एरे को सिलेक्ट कर लिया और हमने बताया कि ये हमारा 780 आ गया। मुझे इसका टोटल निकालना हो कि यहाँ पे हम टोटल करके सम कर, ध्यान देखिएगा एक फॉर्मूला और इसमें इंपॉर्टेंट आएगा। तो अब क्वेश्चन यहां आता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट यहां पे टॉप यहां पे 5 दूंगा, मुझे यहां पे इसका सम चाहिए, समझे। तो इसके लिए हम लार्ज फॉर्मूला लगाएंगे, लार्ज फॉर्मूला में हम लगाएंगे फॉर्मूला इफ, इफ में माफ कीजिएगा, लार्ज में इफ का नहीं होगा, लार्ज इसी लगाएंगे, लेकिन डायरेक्ट लार्ज नहीं, हम सम के अंदर लार्ज देंगे। लार्ज हमने नंबर्स को सेलेक्ट कर लिया और कॉमा कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5 दे देंगे और रिजल्ट आप देखेंगे कि 1133 आ गया। क्वेश्चन आता है कि मुझे टॉप 5 में मुझे टॉप 15 चाहिए या टॉप 100 चाहिए या टॉप 200 चाहिए,
उस केस में क्या होगा? क्योंकि उस केस में अगर मैं यहां पे कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 लिखते चला जाऊं तो फिर तो हालत खराब हो जाएगी। तो कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 ना लिखना हो उसके लिए यहां पे रो का फॉर्मूला इस्तेमाल करते, देखिए 1 2 5 कंट्रोल टू एंटर। अब 1 2 5 क्या कर रहा है? तो एबुलेट कीजिए पता चल जाएगा कि रो क्या कर रहा है, कि वही 1 से लेकर 5 तक कर्ली ब्रैकेट में ले रहा है, समझे? तो रो का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हमें मैनुअली जब ज्यादा नंबर हो तो ना लिखना हो, तो यहां पे हमारे नंबर्स आ जाते हैं। अब यहां पे एक और क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए मुझे यहाँ टॉप 10 चाहिए, तो फिर मुझे वापस 5 को 10 करना पड़ेगा और फिर कंट्रोल से एंटर मारना पड़ेगा। तो इसको क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए हमें एक इनडायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना, और इसमें हम 1 के साथ कॉन्कैटेनेट लगाएंगे 10, और यहां पे इसको क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर। अब क्या हुआ देखिए, फॉर्मूला बस समझिए। इसने 10 लिया, 1 एंड 10 को कंबाइन करके 1 से लेकर 10 किया, जो कि हम रो में लगाते हैं, बट ए इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि इसको कॉन्कैटेनेट लग गया है, जिस कारण से इसको क्या समझ रहा है, इसको टेक्स्ट समझ रहा है। एवलेट करेंगे तो यहां से 1 to 10 इनडायरेक्ट उसको रेफरेंस में कन्वर्ट कर देगा और रो उसको 1 से लेकर 10 तक तोड़ देगा, एंड यहां पे हम इसको एवलेट करके क्लोज कर सकते हैं। देखिए आगे, अब टॉप 5 करेंगे तो 5 का, 10 करेंगे तो 10 का, एंड 20 करेंगे तो 20 का टॉप में या मिडल में हम सम निकाल सकते। तो रो और इनडायरेक्ट का क्या यूज होता है एरे में, ये समझ में आ गया आपको? सही, इनडायरेक्ट यहाँ पर मतलब ये इस अनलिमिटेड कर देगा यहाँ पर, कि कोई भी ले हम इनडायरेक्ट नहीं करेगा, रो करेगा, इनडायरेक्ट रो करेगा। कंबाइन करने पे जो टेक्स्ट होता है ना, वो कन्वर्ट कर देगा। सही, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल हम आपको समझाते हैं कि जैसे कि ये देख लीजिए 2 3 5 8 है। अब किसी ने मुझे YouTube पे कमेंट करके क्वेश्चन पूछा था कि मुझे 2 + 3 + 5 करने हैं, +8 करने, तो रिजल्ट क्या होगा? समझे? 2 + 3 + 5 + 8, क्लियर है? तो इसके लिए हम यहां पे देंगे फॉर्मूला सम, सम में देंगे मिड का फॉर्मूला। मिड इसको हमने लिया कॉमा 1, 2, 3, 4 और 1। रिजल्ट आप देखेंगे, रिजल्ट 0 आ रहा है। अब क्यों आ रहा है इस चीज को देखिए कि मिड ने क्या किया, इसको 4 अलग अलग भागों में तोड़ दिया। मतलब मिड 4 बार चला, पहले में 1 लिया, दूसरे में 2 लिया, तीसरे में 3 लिया, चौथे में 4 लिया, एक एक करेक्टर अलग कर दिया उसने पोजीशन से, तो करेक्टर्स अलग हो गए। लेकिन करेक्टर्स इन्वर्टेड कॉमा में दिख रहा है ना आपको सर, मतलब कि टेक्स्ट है। तो अगर कोई टेक्स्ट का नंबर है उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसमें मैं वैल्यू का फॉर्म क्या बोल रहे हैं, वैल्यू का फॉर्म लगा सकते हैं, उस पर +0 कर दीजिए या multiply by 1 कर दीजिए। तो मैं भी यहां पे +0 कर देता हूं, एंटर मारता हूं, रिजल्ट आ गया। बट प्रॉब्लम है कि 4 लेटर है मेरे पास, जो है लेटर घटते बढ़ते रहते हैं, तो क्या करें? तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वाला मेथड लगाएंगे कि मिड, मिड में हम देंगे इसको सेलेक्ट और फिर देंगे रो, रो में देंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में देंगे 1 के साथ सेमीकोलन और इसको कॉमा से कॉलन, इसको कंकैटेनेट करेंगे लेन, लेन में हम इसको सेलेक्ट कर एंड +0 और +0 आ गया। अब इसमें मैं 60 करूं तो 60 का नंबर से होगा,
डिजिट ऊपर नीचे हो सकते हैं। समझ में आ गया आपको? अब चलिए इसमें एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, दूसरा फॉर्मूला आपको बताना है। जैसे कि हमने पूजा ही ले लिया और पूजा का हम यहां पे लुकअप करते हैं, वी लुकअप करते हैं ना, तो वी लुकअप हमेशा पहली वैल्यू देता है, मुझे सबसे आखिरी वैल्यू चाहिए कि पूजा सबसे लास्ट टाइम कहां आया हुआ है, ये है ना 87, मुझे 87 चाहिए। तो क्या करें? तो इसके लिए जो हमने अभी इफ कंडीशंस का यूज किया था, मैक्स इफ मैक्स के लिए, मैक्स और इफ के लिए, उसका इस्तेमाल हम यहां पर करें। कैसे? यहां पर देंगे हम फॉर्मूला मैक्स का, मैक्स इफ, इफ और हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि ए इक्वल टू होना चाहिए पूजा, तो क्या हो, तो हम यहां रो का फॉर्मूला दे रहे हैं और रो के फॉर्मूले में मैंने इसको सिलेक्ट कर और इसको क्लोज कर दिया कंट्रोल शिफ्ट एंटर। 74 दे रहा है, 74 मतलब समझे 74 रो। ऐसे दे रहा है, अभी चीज को भी एक बार देखना जरूरी है। हमने यहां पे फॉर्मूले को एवलेट किया, यहां इसने पूजा को मैच किया, जहां जहां पूजा है वहां वहां उसका रो नंबर डाल दिया, जहां जहां मैच किया वहां पे रो फॉर्मूला क्या करता है, रो नंबर देता है ना। हम इस बार वैल्यू नहीं लिए हुए हैं, हमने रो लिया हुआ है, तो रो नंबर डाल दिया कि दूसरे नंबर रो पे पूजा है, फिर चौदह नंबर रो पे पूजा है, और जाहिर सी बात है मैक्स सबसे मैक्सिमम निकाले, बट मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू चाहिए तो इसके लिए हम इंडेक्स या ऑफसेट फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं ना सर। क्या पूजा आ गया, इसमें कॉमा यहां पे टू करना होगा लास्ट में, और ए बाई ए नहीं, ए और बी करना पड़ेगा, सेंटर आ गया 87। समझ गया जी सर। अब इसमें एक चीज और भी आती है कि रिपीटेशन की बात हो रही है तो मुझे हर एक वैल्यू चाहिए, जैसे कि 780 कॉमा और भी है यहाँ पे 13 कॉमा इस तरह से, लेकिन ये चीजें आप जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते लोअर वर्जन में, बट अपर वर्जन में हो सकता है, मतलब ऑफिस 365 में हो सकता है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला आता है टेक्स्ट ज्वाइन, लेकिन होगा एरे मेथड से टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन हमने बोला कि कॉमा रिपीटेड है और इग्नोर करना है एम्प्टी शेल को, यस, और यहां पे कंडीशन देते हैं कि इफ ये जो नेम है हमारा अगर ए इक्वल टू पूजा है तो इसकी सामने वाली वैल्यू को ले ले, और इसमें फॉल्स में हम यहां पे ब्लैंक दे देते हैं, मतलब कि नथिंग, और फिर हम इसको क्लोज करते हैं, क्लोज ही नहीं कंट्रोल, हाँ क्लोज करते हैं। देखा कि कैसे हुआ, ये चीज को देखिए, टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला तो पता ही है क्या करता है, एक सीरीज में अगर टेक्स्ट, एक रेंज में टेक्स्ट है उसके हर टेक्स्ट को आपस में ज्वाइन करता है, तो इसको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मांगता है कि भाई सेपरेटर कौन सा होना चाहिए, तो कॉमा होता है कि दो टेक्स्ट के बीच में क्या होना चाहिए, तो कॉमा, क्या ब्लैंक सेल को इग्नोर करना है, यस या नो, नहीं तो ट्रू एंड फॉल्स देना होता है, ये हो गया। अब इफ चला, इफ ने क्या किया, जहां जहां ट्रू नेम था पूजा था वहां वहां उसने क्या किया, उसकी वैल्यू डाल दिया, और जहां जहां फॉल्स था वहां वहां पे ब्लैंक, मतलब कि इनवर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज डाल दिया। अब टेक्स्ट ज्वाइन जो है ब्लैंक को तो इग्नोर करता है, ये सब को इग्नोर कर देगा, बाकी आपस में ज्वाइन करके रिजल्ट आपके सामने देगा। समझ में आया? हेलो। तो दो मेन चीज आपने अभी सीखा है, सबसे पहला कि एरे में इफ का क्या रोल है, और दूसरा एरे में रो और रो का क्या रोल है, और इनडायरेक्ट का क्या रोल है। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ?
यूसुफ जी, नवीन जी। जी सर, क्लियर हुआ? तो आपको याद होगा जब मैंने वी लुकअप पढ़ाया था आपको, तो उस समय हमने आपको वी लुकअप में एक लिस्टिंग, वी लुकअप लिस्टिंग का मेथड बताया था, याद है? भूल गए सर? मुझे तो याद नहीं है, शायद मैंने नहीं क्लास ली होगी। मुझे लिस्टिंग मतलब नहीं समझे कि एक ही नाम, अगर मान लीजिए कि रिपीटेड नाम आ रहा है, जैसे पूजा 10 बार आ रहा है, मुझे 10ों का डेटा चाहिए। हमने काउंट इट के साथ मर्ज करके किया था ना, भूल गया लग रहा है। निकिता जी आपको याद है? नवीन जी आपको याद है? जी सर याद है, इनको याद है। निकिता जी तो चली गए लग रहा है, याद करने चले गए लग रहा है। उनके इंटरनेट का मसला आ रहा था बता रहे थे जी। क्या बोले? उनके इंटरनेट का मसला था निकिता के। ओके, तो वी लुकअप लिस्टिंग का आप लोगों को याद नहीं है, तो अभी मैं आपको वी लुकअप लिस्टिंग का वीडियो भेज रहा हूं, देख। तो वी लुकअप लिस्टिंग को जो हमने विदाउट एरे किया है, आपको एरे के साथ करके दिखाना है। 12 मिनट का वीडियो है, वो बड़ा वीडियो नहीं है, एरे के साथ करके दिखाना है आपको। अच्छा सर, जो आपने किताब भेजी है बुक, उसमें कौन कौन सा चैप्टर करना है? कौन सी है? कंट्रोल शिफ्ट एंटर। हाँ जी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। सर वो तो पूरे पूरे एरे भी है, जितना पढ़ना है उतना आपके लिए। अच्छा सर, आप ज्ञान समूह का समंदर है, जितना बटोरना बटोर लीजिए। ठीक है सर। क्या अगर आपको ज्ञान रूपी धन का लॉकर दे दिया गया है, तो आपको थोड़ी कहेंगे मैं 2 ही घंटे उठाओ नहीं सर। क्या वो थोड़ा सा जिसमें बता दे, जिसमें ज्यादा ज्यादा कीमती होना, ज्यादा ज्यादा प्रेशियस नहीं, सारे कीमती है, वो सारे कीमती है। अच्छा, 100 का नोट पुराना या नया हो, कीमत तो एक ही होती है ना। ये तो है। क्या वर्थ उसके की है? सही बात है, वर्थ तो एक ही है ना। तो क्योंकि वो एरे क्या बना हुआ है, तो एरे पे आप देखिए क्या है कि एरे फॉर्मूला अगर कमांड आपकी हो जाती है, तो वीवीए पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। जैसे कि अभी आपने ये देखा, अभी जो मेथड था ये विदाउट वीवीए नहीं था, समझे? 2016 तक तो विदाउट वीवीए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें टेक्स्ट जॉइन का फॉर्मूला नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि एरर फॉर्मूला कभी भी टैक्स रिटर्न नहीं करता। और ध्यान रखिएगा, जैसे आप लेते हैं ना, तो एरर जब कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वहां पे लिखा रहता है कि एरे, इसमें एरे देते हैं, जैसे लुकअप का फॉर्मूला देते, लुकअप का फॉर्मूला एरे को सपोर्ट करता है, लिखा ना एरे, यहां पर लिखा इसमें एरे दिया जा सकता। लेकिन आपने जब एरे शुरू किया था, आपने कहा था फॉर्मूला में देखिए क्या लिखा हुआ, टेबल एरे, ठीक है? तो बता देता है, एरे सर्व करता है। तो एरे दो तरह का, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक कैलकुलेशन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन से लुकअप हो गया, वी लुकअप हो गया, मैच हो गया, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब कि वो एक बार आप उसको मल्टीपल एंट्री दे सकते हो, लेकिन रिजल्ट एक सेल में एक ही करेगा ना, समझे? अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मुझे हर पूजा के वैल्यू को सम करना है, तो हम वी लुकअप में सम के अंदर वी लुकअप लगा दें, क्योंकि वो लुकअप तो पहले ही पूजा को करेगा हमेशा ना। इसलिए तो आपको मैंने भी अभी भेजा है वीडियो ग्रुप में, उसको देख लीजिए। और वी लुकअप का जो चैप्टर, जो हमने लुकअप का चैप्टर, वी लुकअप लिस्टिंग का चैप्टर था, उसको आप एरे के थ्रू बना के मुझे दीजिए। और ये सारे एग्जांपल को आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 3-4 फॉर्मूले को मर्ज किया है, किया ना, और अगली क्लास में डबल हो जाएंगे। सर ये शीट सर भेज सकते हैं आप? इतने में पैसा तो लगता है मुझे। बस एक मिनट में कर देता हूँ।
हमारे कुछ वीडियो लोग डाउनलोड करके यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, उसी का मैंने भी दिया है, क्लेम दिया है, उसका चैनल बंद हो गया होगा। समझते नहीं किसी और का वीडियो नहीं डालना चाहिए। सर एसएम एसएम भूल जाता हूँ। उसके बाद निकिता नवीन जैन, निकिता हरीश यादव, नवीन सिन्हा, भेज दिया। देखिए थैंक यू सर, कल मिलते हैं, कल इससे भी हैवी प्रॉब्लम उठाऊंगा, लेकिन प्लीज इसको समझ लीजिएगा एक बार। यस थैंक यू सर, ओके सर, बाय।